नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी, सवालों का सिलसिला जारी रख रहा हूँ आपसे। प्रभु जी, बहुत सारे लोग उम्र के अलग अलग पड़ाव में अक्सर एक बात कहते हैं, मेरा दिल टूट गया। अलग अलग रीज़न होते हैं उम्र के अलग अलग पड़ाव में, तो ये जो दिल टूटता है इससे कैसे निपटा जाए? ये ब्रेकअप होना, फिर पैचअप होना, फिर ब्रेकअप होना, फिर पैचअप होना, फिर ब्रेकअप होना, और इन पैरेलल दारू चलना, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन कि हम डिप्रेशन में आएंगे, फिर मैं ऐ दिल है मुश्किल गाने सुनूंगा, या फिर मैं कबीर सिंह के गाने सुनूंगा, बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए, कहाँ मेरी दारू, कहाँ भाई मेरी दारू। यस, लगाओ भाई वो सैड सॉन्ग, लगाओ भाई जरा, मेरा दिल टूटा हुआ है। तो ऐसा होता क्या है, हमने ना बॉलीवुड को एक तो हमने सुपर इम्पोज कर दिया हमारी रियल लाइफ के ऊपर, सो रियल लाइफ इज डिफरेंट। तो हमने भला इश्क लड़ाना, नए न लड़ जाएंगे तो मनमामा कसर खोई भी करिए, कहाँ से सीखा हमने? ये हमने बॉलीवुड से सीखा। और वहाँ पर भी क्या है, पैचअप भी होता है, ब्रेकअप भी होता रहता है, बीच में गाने वाने भी होते रहते हैं, सैड सॉन्ग हो गए और बंदा ढाई घंटे में अपनी माशूका से मिल भी लेता है, शादी हो गई, घर बस गया उसका, ठाए ठाए हो गई, बढ़िया, नाइस। लेकिन हमारे रियल लाइफ में क्या ढाई घंटे में सब कुछ हो जाएगा? नहीं। तो कहीं ना कहीं हम जब बॉलीवुड यानी कि रियल लाइफ को रियल लाइफ पर सुपर इम्पोज करते हैं तो भी हमें डिसअपॉइंटमेंट ऐसी होती हैं। अब ये वाला होता भी क्यों है, रीजन भी हमारी अटैचमेंट है बंदे के साथ कि ना सामने वाले के साथ मैं खुश रहूंगा। अच्छा, सामने वाला व्यक्ति खुश है, मैं इसके साथ खुश रहूंगा, ना ये खुश है ना ये खुश है। पर जो एक नाखुश व्यक्ति दूसरे नाखुश व्यक्ति में खुशी ढूंढ रहा है कि मेरे को संतोष मिलने वाला है, और ये सेम इसमें दोनों ही संतुष्ट कभी नहीं होने वाले। मान लीजिए अगर दो भिखारी हों और सोचें कि ना एक दूसरे को लूट लेते हैं, करोड़पति हो जाएंगे। दो भिखमंगे खुद को लूटने के बाद फिर भी भिखारी ही रहने वाले। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर ये माशूका और माशूका वाला जो हिसाब किताब चलता है, असल में दोनों भिखारी हैं, ये भिखारी नहीं और ये भिखारी। दोनों अगर सोचे कि हम एक दूसरे को लूट पाट करके हम करोड़पति हो जाएंगे खुशियों के मामले में, नहीं हो पाओगे, ये भी रूखी सूखी, तू भी रूखा सूखा। तो इसीलिए होता क्या है, हमारी ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मेरा पार्टनर फला फला हु लुक्स वेरी झिंटैक, बड़ी सोनी कुड़ी, मेरा बड़ा सोना कुड़ा, सर ये दोनों रूखे सूखे हैं, सिर्फ कपड़े जो हैं वो झिंटैक पहन करके आते, थोड़ा बातें तुम बिना और लड़के भी बड़े हरफन वाला नौजवान ह्यूमरस दिखाते हैं, देखो मैं कितना हैप्पी गो लकी हूँ, अंदर से भले कितने मुरझाए हों। तो इस नौटंकी बाजी में सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं, और करते भी कम है। जब पढ़ाई का प्राइम टाइम होता है ना तब करते हैं, तो भले अपने करियर के साथ खेल जाएंगे, क्योंकि फोकस तो एक बार होता नहीं, एक बार अगर आपका मन इसमें आ गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, फिर बस यहाँ तो उसके बारे में गुलगुलशन गुलफाम, या उसने दिल तोड़ दिया अगर तो फिर गुलगुलशन गुलफाम, मुरझा गए भाई तो किताब के आगे फिर मन नहीं लग रहा। पर दोनों केस में नुकसान तो पढ़ाई का होना ही है। तो ये प्यार इश्क मोहब्बत वाला टाइम यूजली उस उम्र में चलता है, 12वीं कॉलेज, ये बिल्कुल एकदम प्राइम टाइम है आपके करियर के। अगर आपने नॉलेज ठीक से नहीं ली, आप इंटरव्यू में आचा बागी बाबू बूम बूम, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उस टाइम में इससे बचना चाहिए। इनके साथ कोई जेन्युइनली बहुत पसंद है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जवानी है ये, जवानी है दीवानी, तो क्या करें फिर। तो ऐसे में ना उसके साथ मीटिंग करें, जी हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप भी हमें बहुत पसंद करते हैं, तो एक बार कॉलेज पूरा कर लेते हैं अच्छे से, शादी करेंगे, ठीक है, तब तक ना नीदर यू डिस्ट्रैक्ट मी नॉट आई डिस्ट्रैक्ट, तब इसमें डर हो सकता है। लेकिन मीनवाइल उसकी शादी कहीं हो गई, तो अगर मान लो फला फला की शादी हो गई तो उसको थैंक यू बोलने जरूर जाएं कि आपने टाइम से धोखा दे दिया मेरे को, बड़ा धन्यवाद आपका, नहीं तो बाद में धोखा दिया होता तो बड़ा बड़ा नुकसान होता हमको, अभी आपने टाइम से धोखा दे दिया मेरे को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी शादी में जरूर जाएं, जी आपको हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी वजह से टाइम से धोखा मिल गया था हमें तो अच्छा हो गया, तो छोटे से घाव में अपना काम चल गया, ये तो बड़ा वाला घाव बाद में होता अगर तो फिर तो संभालने मुश्किल होती, पर आपने टाइम से धोखा दिया, थैंक यू वेरी मच, ऐसे करके उसको धन्यवाद दें। यानी ना कि किसी ने अगर आपको दिल, आपने किसी को दिल में रखा, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको कष्ट दिया, उसको बजाय कि ना खींच खींच के जोर ज़बरदस्ती से इंसल्ट करते हुए निकालने के बजाय ना उसको प्यार से विदा करें, निकल जाओ गलत व्यक्ति को रखा, यू आर नाइस, प्लीज़ मूव ऑन, आई हैव ऑल्सो वॉन्ट टू मूव ऑन, तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसको निकाल दें। जोर ज़बरदस्ती में ना वो वापस बाउंस बैक कर जाता है हृदय के अंदर, पर आप सात्विक तरीके से निकालेंगे ना उस व्यक्ति को, द वन हु डजंट डिजर्व योर अफेक्शन, योर काइंडनेस, योर लव एंड ऑल दैट, अच्छा रहता। आई देर सेइंग इफ यू लव समवन मोर देन दे डिजर्व, दे विल हर्ट यू मोर देन यू डिजर्व। अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो उसके लायक नहीं है, तो वो आपको कष्ट देगा जिसके आप लायक नहीं हो, ज़्यादा कष्ट देगा आपको। तो इसीलिए ना अपने दिल के सिंहासन पे किसको बिठाना, थोड़ा चूजी होना चाहिए उसमें,
नहीं तो वो बंदा आपको चूजा बना के रख देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, यू शुड बी वेरी वेरी चूजी। और जब पढ़ाई लिखाई का समय है ना, उस समय में इन डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। हालांकि यंग एज होती है तो निश्चित रूप से ये भाव तो आते हैं, लेकिन उसको जहाँ तक हो सके मैनेज करने का प्रयास करेंगे ना, करियर भी अच्छा रहेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा फोकस अच्छा रहेगा। एंड देन वन डे व्हेन आई विल गेट मैरिड टू समवन हूम आई लाइक, आई विल हैव फार मोर सोबर मैरिड लाइफ, मतलब विद मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल देखिए, आजकल ज्यादातर मैरिज छोड़ टिकती भी क्यों नहीं है, बिकॉज मजे वाले भाव में लोग शादी कर लेते हैं। अब मजे वाले भाव में फिर कितनी खिंचनी, बिकॉज जिम्मेदारी वाला भाव था ही नहीं। तो इसलिए वो मैच्योरिटी लाना जरूरी है। तो इसलिए ये पैचअप ब्रेकअप फिर पैचअप फिर ब्रेकअप फिर किसी और के साथ मेकअप फिर पैचअप फिर ब्रेकअप, ये कह रहे भाई निकलते हैं से यार, कोई ढंग का काम ही कर रहे हैं भाई। सो दैट वे से निकलना चाहिए। और अल्टीमेटली ना, यू नीड प्रॉपर एंगेजमेंट। किसी आपका दिल थोड़ा होना, अगर आप खाली बैठे हुए तो बार बार ना उसी से मन जाता रहता है, ऐसे क्यों कर दिया, धोखा दिया, तेरे को भी दुख मिले, तेरे को भी कीड़े पड़े। अभी व्यक्ति अकेले में ऐसा सोचता रहेगा ना, उस वक्त वी नीड सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एंगेजमेंट। तो उस वक्त आप कुछ नया सीख सकते हैं, मंदिर आए, कीर्तन करें, नाचें, थकें हारें। वो थकावट के बाद ना वो बोलेगा भाई तू याद कर ले, तेरे दुख को कहते हैं भाई मेरे को पहले रेस्ट करने दे यार, आई एम टायर्ड। ये थकना भी जरूरी है एक्चुअली, वेरी फील टायर्ड, सो इट रेजुविनेट्स अस मेंटली ऑल्सो फिजिकली ऑल्सो। और स्पिरिचुअलिटी इज ऑफकोर्स अल्टीमेट है, ये तो आपका सिस्टम फॉर्मेट कर देगी एकदम। कहते हैं सारे वायरस निकल गए जी, कहते हैं माई वैलेंटाइन इज माई कृष्णा, आई एम डन। सो दिस वे आपका जो रिपेयर है वो जल्दी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि ये बड़ा सवाल ऐसा रहा, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है जिंदगी में। तो यस, उम्मीद करता हूँ कि जो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जीवन में, कई बार लोगों के अलग अलग रूप से आता है, तो प्रभु जी ने सभी के बारे में बता दिया। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें।